अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, यूनिट नंबर 3, नंबर सिस्टम विद बेस 2 एंड 5, एक्सरसाइज नंबर 3.1, पेज नंबर 27 एंड 28। टुडेज टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ आर नंबर सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन डेसिमल सिस्टम। In the decimal system, we use 10 basic numerals, digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Students, decimal system में हम just 10 digits जो हैं वो use करते हैं, 0 to 9. Students, decimal system में मैंने यहाँ पर कुछ point write किए हैं, 3 points मैंने यहाँ पर write किए हैं, ठीक है। Number 1 में हमारे पास है the number from 0 to 9 consist of one digit only, ठीक है। 0 to 9 में आप देख सकते हैं कि 1 कितनी digit है, 1, 2 कितना है, 1 digit है। तो 0 to 9 में आपके पास कितने digit number होते हैं, 1 digit होते हैं, ठीक है। Next point में आपके पास है the number greater than 9 and less than 100 consist of the two digit, यानी कि 9 से क्या होना चाहिए, less greater होना चाहिए और 100 से less होना चाहिए, यानी कि 10 to 99 तक, ठीक है। कितने digit यहाँ पर, कितने digit आ रहे हैं आपके पास, 2 digit आ रहे हैं। जैसे कि for example 67 में कितने digit है, एक तो 6 है और दूसरा क्या है, 7 है, और मज़ीद भी हमारे पास यानी कि 10 है, 9 से जो ग्रेटर है वो क्या है, 10। अब 10 में कितने डिजिट है स्टूडेंट्स, 2 डिजिट है, एक तो 1 है और दूसरा क्या है, 0। अगर हम 99 को देखते हैं, 99 में कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, एक 9 है और दूसरा भी क्या है, 9 है, ठीक है। कितने डिजिट है, 9 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर और 100 से लेस, इनके दरमियान में जो डिजिट आ रहे हैं वो कौन से डिजिट आ रहे हैं, 2 डिजिट नंबर आ रहे हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 में हमारे पास है द नंबर्स ग्रेटर देन 99 एंड लेस देन 1000 कंसिस्ट ऑफ 3 डिजिट्स। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि यहाँ पर लिखा हुआ 99 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर, और 1000 से क्या होना चाहिए, स्मॉलर, यानी कि लेस देन होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर 99 के बाद क्या आता है, 100 आता है। अब 100 में कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, 0, एक तो 1 और दो हमारे पास कितने होते हैं, 0 होते हैं। तो टोटल मिला के हमारे पास कितने डिजिट हो गए, 3 डिजिट होते हैं। अगर हम 100 टू 999 के दरमियान में कोई डिजिट लेते हैं, यानी कि 763, अब 763 में कितने डिजिट है, 3 है, एक तो 7 है और दूसरा क्या है, 6 है, और थर्ड क्या है आपके पास, 3 है, ठीक है। तीनों को जब मिलाएंगे तो कितने डिजिट आपके पास, टोटल 3 डिजिट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या कहा है कि 99 से ग्रेटर और 1000 से स्मॉलर में कितने डिजिट आपके पास होते हैं, 3 डिजिट होते हैं। स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर एक पॉइंट डिजिट ऐड किया है कि 223। अब स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इसमें कितने डिजिट हैं, तो टोटल कितने डिजिट हमारे पास, 3 डिजिट है, एक तो 2 2 एंड 3, तो टोटल कितने डिजिट हुए हमारे पास, 3 डिजिट। अगर हमें इन्वर्ट्स में से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 223। अब स्टूडेंट्स 200, अब इसमें क्या करना है, हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में राइट करने हैं हमें से, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, 200, ठीक है, 200 है, फिर उसके बाद क्या है, 20, हमने 200 को अलग लिखा है, फिर 20 और लास्ट में हमारे पास क्या है, 3, ठीक है। अब नीचे आपने मैंने और एक्सपेंड कर दिया इसको, ठीक है, नीचे मैंने 200 को, अगर हम 2 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 हो जाएगा, फिर प्लस 20 के साइन दरमियान में प्लस के साइन आइए, फिर उसके बाद अगर हम 20 को ब्रेक करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 20। और अगर स्टूडेंट्स, अगर हम 3 को ब्रेक करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 वन ज़ार 3, ठीक है। अब अगर इसे हम और पावर 10 के अंदर हम राइट करते हैं तो किस तरीके से करेंगे, 2 तो आपका एज इट इज रहेगा, अब मल्टीप्लाई बाय, अब 100 के ऊपर कितने ज़ीरो है, कितने ज़ीरो हमारे पास, 2 है, तो हम पावर 10 में हमें राइट करना है ना, तो 100 के पास 2 डिजिट है, 2 ज़ीरो हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, 10 के ऊपर क्या राइट कर देंगे, पावर 2, यानी कि स्क्वायर 10 स्क्वायर, उसके बाद प्लस के साइन है, हमने प्लस के साइन लगा दिया, उसके बाद क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10। अब 10 के पास कितने ज़ीरो, कितने आपके पास, 1 है, तो हम पावर 10 के ऊपर कितने लगा देंगे, हम 1, ठीक है।
उसके बाद प्लस 3 8। अब यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई बाय 1। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अब 3 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 के हम 0 तो ऊपर है ही नहीं, तो हम 10 के ऊपर क्या ऐड करेंगे, पावर 0, क्योंकि जिस नंबर की भी पावर 0 आ जाती है वो 1 के बराबर कहलाती है, यानी कि पावर 10 पावर 0, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो इज इक्वल टू 1। नाउ आई विल एक्सप्लेन एक्सरसाइज नंबर 3.1। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, ठीक है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर ऑफ द डेसिमल सिस्टम और इन पावर 10। स्टूडेंट्स हमें ये जो दो पॉइंट है हमें डेसिमल सिस्टम के डिजिटेड, ठीक है, अब इसे पावर 10 में हमें राइट करना है, ठीक है, 456, ठीक है। 456 को हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। पावर 10 में हमें राइट करने हैं, तो हर डिजिट के साथ आप पावर 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। पहले हमने 4 के साथ 10 को मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस की साइन लगा दी, फिर 5 के साथ 10 को मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस की साइन, फिर 6 के साथ भी हम पावर 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे। सबसे पहले पावर 0 आएगी, ठीक है, फिर उसके बाद पावर 1, पावर 2, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल, आपको कुछ नहीं करने है, मल्टीप्लाई करने और पावर्स लगानी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है 70,021, ठीक है, इसे आपको पावर 10 में राइट करना है, ठीक है। आप सबके साथ क्या करेंगे, पावर 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद उनकी उन्हें आपके पावर लगा देंगे। पहले 7 के साथ 10 को मल्टीप्लाई किया, नेक्स्ट डिजिट हमारे पास 0 था, 0 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस की साइन लगाए, फिर अगेन हमने 0 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस की साइन लगाए, मल्टीप्लाई बाय 2 के साथ हमने 10 को मल्टीप्लाई किया, प्लस की साइन, फिर 1 के साथ भी 10 को मल्टीप्लाई कर दिया, पावर 0, पावर 1, पावर 2, उसके बाद क्या आएगा, पावर 3। अब 10 के ऊपर लगाएंगे सिर्फ, ठीक है, पावर 4 नंबर्स पर नहीं, 10 के ऊपर जो है वो पावर्स आप लगाएंगे, ये आपका आंसर है। दिस इज़ योर असाइनमेंट, सॉल्व ऑन लीफ पेपर एंड सबमिट एट स्कूल। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।